चीन से लेकर कश्मीर के मसले पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खूब बयान दे रहे हैं, जिसमें नमक मिर्च ज्यादा और हकीकत कम है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्हें अपने रडार पर ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1962 में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया था, विपक्ष ये बात क्यों नहीं बताता। वे ऐसे दिखाएंगे कि जैसे ये कल परसों हुआ है। 3 जनवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन ने सीमा मुद्दों पर भारत के साथ समझौतों का पालन नहीं किया और इसलिए दोनों पड़ोसियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कैसे बीजिंग ने एक तरफा LAC को बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा नियंत्रण रेखा में एक तरफा बदलाव नहीं करने का समझौता था, जो चीन एक तरफा करने की कोशिश कर रहा है। अगर चीन ये भी कहता कि भारत ने समझौतों का पालन नहीं किया तो क्या होगा। इस सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि बीजिंग के लिए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि आज सैटेलाइट तस्वीरों में काफी पारदर्शिता है। यदि हम देखते हैं कि सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्र में सेना को किसने भेजा, तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है, इसलिए चीन के लिए ये कहना बहुत मुश्किल है। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर मेरी सोच में कमी है तो मैं अपनी फौज या इंटेलिजेंस से बात करूंगा। मैं चीनी एम्बेसडर को बुलाकर अपनी खबर के लिए नहीं पूछता। जयशंकर ने भारत की जमीन पर चीनी सैनिकों के कब्जे से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर वे किसी जमीन की बात करते हैं तो 1962 में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया था। जयशंकर ने राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष आपको ऐसे दिखाएगा जैसे ये कल परसों का वाकया हो। विदेश मंत्री ने कहा कि वे राजनेता हैं, लेकिन कभी कभी जानबूझकर ऐसी खबर फैलाते हैं जिसके बारे में वे जानते हैं कि ये सच नहीं है। वह अगर जमीन की बात करते हैं तो 1962 में चीन ने जमीन पर कब्जा किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं बताएंगे, बल्कि ऐसे इम्प्रेशन देंगे कि कल परसों की ही बात हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि एक तकनीकी मामला है और भविष्य की कार्रवाई भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों के बीच बातचीत पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा, ये एक तकनीकी मामला है। दोनों देश सिंधु जल संधि के बारे में बात करेंगे, हम उसके बाद ही अपने भविष्य के कदम पर चर्चा कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से जब पूछा गया क्या पाकिस्तान हमारे पड़ोसी के रूप में हमारे लिए कोई दायित्व है, इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए एक वास्तविकता है। जीवन में आपके पास वही है जो आपके पास है। जैसे पांडव अपने संबंधियों को नहीं चुन सकते थे, ठीक उसी तरह हम अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकते। स्वाभाविक रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि आए।